नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं निर्मल वर्मा की कहानी लवर्स। ये कहानी एक दुनिया समानांतर से ली गई है। एलिप्स के सामने कॉरिडोर में अंग्रेजी अमेरिकी पत्रिकाओं की दुकान है। सीढ़ियों के नीचे जो पत्ते भर की जगह खाली रहती है, वहाँ पर आमने सामने दो बेंचें बिछी है। इन बेंचों पर सेकेंड हैंड किताबें, पॉकेट बुक, उपन्यास और क्रिसमस कार्ड पड़े हैं। दिसंबर, पुराने साल के चंद आखिरी दिन, नीला आकाश, कपकपाती करारी हवा, कत्थई रंग का सूट पहने एक अधेड़ किंतु भारी डील डॉल के व्यक्ति आते हैं। दुकान के सामने खड़े होकर ऊबी निगाहों से इधर उधर देखते हैं। उन्होंने पत्रिकाओं के ढेर के नीचे से एक जर्द पुरानी फटी मैगजीन उठाई है। मैगजीन के कवर पर लेटी एक अर्ध नग्न और गौर जुगती का चित्र है। यह चित्र दुकान पर बैठे लड़के को दिखाते हैं और आंख मार कर हंसते हैं। लड़के को उस नंगी स्त्री में कोई दिलचस्पी नहीं है, किंतु ग्राहक ग्राहक है और उसे खुश करने के लिए वह भी मुस्कुराता है। कत्थई सूट वाले सज्जन मेरी ओर देखते हैं, सोचते हैं शायद मैं भी हंसूंगा, किंतु इस दौरान मैं लड़का सीटी बजाने लगता है। धीरे धीरे लगता है सीटी की आवाज उसके होठों से नहीं, उसकी छाती के भीतर से आ रही है। मैं दूसरी ओर देखने लगता हूँ। मैं पिछली रात नहीं सोया और सुबह भी, जब अक्सर मुझे नींद आ जाती है, मुझे नींद नहीं आई। मुझे यहाँ आना था और मैं रात भर यही सोचता रहा कि मैं यहाँ आऊँगा, कॉरिडोर में खड़ा रहूँगा। मैं उस सड़क की ओर देख रहा हूँ जहाँ से उसे आना है, जहाँ से वह हमेशा आती है। उस सड़क के दोनों ओर लैप पोस्टों पर लाल फेस्टून लगे हैं, बांसों पर झंडे लगाए गए हैं। आए दिन विदेशी नेता इस सड़क से गुजरते हैं। जब हवा चलती है, फेस्टून गुब्बारी की तरह फूल जाते हैं। आकाश झंडों के बीच सिमट जाता है, नीले लिफाफे सा। मुझे बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती है। जब रात को मुझे नींद नहीं आती, तो मैं अक्सर एक एक करके इन चीज़ों को गिनता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। जैसे हवा में रंग बिरंगे झंडों का फहराना, जैसे चुपचाप प्रतीक्षा करना। अब ये दोनों बातें हैं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उसे देर नहीं हुई है। मैं खुद जानबूझकर समय से पहले आ गया हूँ। उसे ठीक समय पर आना अच्छा लगता है, न कुछ पहले ना कुछ बाद, इसलिए मैं अक्सर ठीक समय से पहले आ जाता हूँ। मुझे प्रतीक्षा करना, देर तक प्रतीक्षा करते रहना अच्छा लगता है। धीरे धीरे समय पास सरक रहा है। एक ही जगह पर खड़े रहना, एक ही दिशा में ताकते रहना, यह शायद ठीक नहीं है। लोगों का कौतूहल जाग उठता है। मैं कॉरिडोर में टहलता हुआ एक बार फिर किताबों की दुकान के सामने खड़ा हो जाता हूँ। कत्थई रंग के सूट वाले सज्जन आ चुके हैं। इस बार दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है। लड़का एक बार मेरी ओर ध्यान से देखता है और फिर मेरी मैली झाड़न से पत्रिकाओं पर जमी धूल पोंछने लगता है। कवर पर धूल का एक टुकड़ा आ सिमटा है। बीच में लेटी युवती की नंगी जांघों पर धूल के कण उड़ते हैं। लगता है वह सो रही है। फुटपाथ पर पत्तों का शोर है। यह शोर मैंने पिछली रात को भी सुना था। पिछली रात हमारे शहर में तेज हवा चली थी। आज सुबह जब मैं घर की सीढ़ियों से नीचे उतरा था, तो मैंने इन पत्तों को देखा था। कल रात ये पत्ते फुटपाथ से उड़कर सीढ़ियों पर आ ठहरे होंगे। मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं। एक ही शहर के पत्ते अलग अलग घरों की सीढ़ियों पर बिखर जाते हैं और जब हवा चलती है तो उनका शोर उनके और मेरे घर के दरवाजों को एक संग खटखटाता है।
यह दिल्ली है और दिसंबर के दिन है और साल के आखिरी पत्ते कॉरिडोर में उड़ रहे हैं। मैं कनॉट प्लेस के एक कॉरिडोर में खड़ा हूँ और प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वह आती होगी। मैं जानता था वह दिन आएगा जब मैं एलेप्स के सामने खड़ा होकर प्रतीक्षा करूँगा। कल शाम उसका टेलीफोन आया था, कहा था कि वह आज सुबह एलेप्स के सामने मिलेगी। उसने कुछ और नहीं कहा था, उस पत्र का कोई जिक्र नहीं किया था जिसके लिए वह आज यहाँ आ रही है। मैं जानता था कि मेरे पत्र का उत्तर वह नहीं भेजेगी, वह लिख नहीं सकती, मैं लिख नहीं सकती, एक दिन उसने कहा था। उस दिन हम दोनों हुमायूं के मकबरे गए थे, वहाँ वह नंगे पांव घास पर चली थी। मुझे नंगे पांव घास पर चलना अच्छा लगता है, उसने कहा था। मैंने उसकी चप्पलें हाथ में पकड़ रखी थी, उसने मना किया था। इट इज नॉट डन, उसने अंग्रेजी में कहा था। यह उसका प्रिय वाक्य है। जब कभी मैं उसे धीरे से अपने पास खींचने लगता हूँ तो वह अपने को बहुत हल्के से अलग कर देती है और कहती है, इट इज नॉट डन। मैंने उसकी चप्पलों को अपने रुमाल में बांध लिया था। रुमाल का एक सिरा उसने पकड़ा था, दूसरा मैंने। हम उस रुमाल को हिला रहे थे और चप्पलें बीच हवा में ऊपर नीचे झूलती थी। मकबरे के पीछे पुराना टूटा फूटा टेरेस था, उसके आगे रेल की लाइन थी, बहुत दूर जमुना थी जो बहुत पास दिखती थी। उसके नंगे सांवले पैरों पर घास के भूरे तिनके और बजरी के दाने चिपक गए थे। मेरी ऐनक पर धूल जमा हो गई थी, लेकिन मैं रुमाल से उसको नहीं पोंछ सकता था क्योंकि रुमाल में चप्पलें बंधी थी और उसके पांव अभी तक नंगे थे। तब मैंने उसकी उनावी साड़ी के पल्ले से अपनी ऐनक के शीशे साफ किए थे। वह नीचे झुक आई थी और उसने धीरे से पूछा था, तुम यहाँ कभी पहले आए थे? हाँ, अपने दोस्तों के संग। क्या किया था? उसने मेरी ओर झपकती आंखों से देखा। दिन भर फ्लैश खेली थी, मैंने कहा। और क्या किया था? उसके स्वर में आग्रह था। शाम को बियर पी थी, वे गर्मी के दिन थे। तुम पीते हो? हाँ, मैंने कहा, पीता हूँ। किसी ने देखा नहीं? नहीं, अंधेरा होने पर पी थी और जाने से पहले बोतलें नीचे फेंक दी थी। नीचे कहाँ? टेरेस के नीचे। टेरेस के नीचे रेलवे लाइन है, जमुना है जो बहुत दूर है, और बीच में पुराने किले के खंडर है। बहुत शुरू का मौन है और सर्दियों की धूप है जो किले के भग्न झरोखों पर ठगी सी ठिठक रख गई है। वह शुरू दिसंबर की शाम थी और हम हुमायूं के अकबरे के पीछे छोटे टेरेस पर बैठे थे। बाईं ओर पुराने किले के टूटे पत्थर थे, धूप में सोते से। सामने ऊबड़ खाबड़ मैदान था जिसे बाढ़ के दिनों में जमुना भिगो गई थी और जहाँ चूने सी सफेदी बिछल गई थी। जब वापस आने लगे तो वह सीढ़ियों पर उतरती हुई सहसा ठिठक गई। तुमने देखा? उसकी आंखें कहीं पर टिकी थी। उधर हवा में उसकी निगाहों पर मेरी आंखें सिमट आई थी। उसने हाथ से दूर एक पक्षी की ओर संकेत किया। वह मकबरे की एक मीनार पर बैठा था। वह चुपचाप निराह आंखों से हमें देख रहा था। यह नीलकंठ है, तुमने कभी देखा है? उसने बहुत धीरे से कहा। नीलकंठ को देखना बड़ा शुभ माना जाता है। क्या हम दोनों के लिए भी? मैं हंसने लगा। मेरी हंसी से शायद वह डर गया और अपने पंख फैलाकर गुंबद के पड़े उड़ गया था। क्या हम दोनों के लिए भी? यह मैंने कहा नहीं, सिर्फ सोचा था। कुछ शब्द है जो मैंने आज तक नहीं कहे, पुराने सिक्कों की तरह जेब में पड़े रहते हैं, न उन्हें फेंक सकता हूँ न उन्हें भुला पाता हूँ। जब वह आई तो मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा था। मैं क्रिकेट के बारे में, सिनेमा के पोस्टरों के बारे में और कुछ गंदे अश्लील शब्दों के बारे में सोच रहा था।
जो कुछ देर पहले मैंने पब्लिक लेवेट्री की दीवार पर चढ़े थे, ऐसा अक्सर होता है। प्रतीक्षा करते हुए मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल भूल जाता हूँ जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सामने जो पेड़ों की कतार है वह सिंधिया हाउस की क्रॉसिंग तक जाती है और वहाँ ट्रैफिक लाइट लाल से गुलाबी होती है और गुलाबी से हरी। जब वह आई तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं ट्रैफिक लाइट को देख रहा था और वह मेरे पास चली आई थी, बिल्कुल पास, बिल्कुल सामने। उसने काली शॉल ओढ़ रखी है और उसके बाल सूखे हैं। उसके होठों पर हल्की, बहुत ही हल्की लिपस्टिक है जैसी वह अक्सर लगाती है। तुम क्या बहुत देर से खड़े हो, उसने पूछा। मैं तुमसे पहले आ गया था। कब से इंतजार करते रहे हो? पिछले एक हफ्ते से, मैंने कहा। वह हंस पड़ी। मेरा मतलब यह नहीं था, तुम यहाँ कब आए थे? मैं नहीं चाहता था कि वह जाने कि मैं रात भर जागता रहा हूँ। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि उसने क्या निर्णय किया है। शायद मैं यह भी नहीं जानना चाहता, मैं सिर्फ उसे चाहता हूँ और यह मैं जानता हूँ। हम दोनों एलिप्स की तरफ बढ़ जाते हैं। दरवाजे पर खड़ा लड़का हमें सलाम करता है। वह दरवाजा खोल कर भीतर चली जाती है। मैं क्षण भर के लिए बाहर ठिठक जाता हूँ। लड़का मुझे देखकर मुस्कुराता है। वह हम दोनों को पहचानने लगा है। उसने हम दोनों को कितनी बार यहाँ एक संग आते देखा है। एलिप्स के भीतर अंधेरा है, या शायद अंधेरा नहीं है, हम बाहर से आए हैं इसलिए सब कुछ धुंधला सा लगता है। बाहर दिसंबर की मुलायम धूप है। जब कभी दरवाजा खुलता है, धूप का एक सांवला सा धब्बा खरगोश की तरह भागता हुआ घुस आता है और जब तक दरवाजा दोबारा बंद नहीं होता, वह पियानो के पीछे दुबका सा बैठा रहता है। आज अखबार में देखा, उसने पूछा। ना, मैंने सिर हिला दिया। शिमले में बर्फ गिरी है, तभी कल रात इतनी सर्दी थी, उसने कहा। मैं सारी खिड़कियां बंद करके सोई थी। कल रात मैं जागता रहा था, मैंने सोचा, और बाहर सूखे पत्तों का शोर होता रहा था। दिसंबर के दिनों में बहुत से पत्ते गिरते हैं, रात भर गिरते हैं। तुमने बर्फ देखी है निंदी, उसने पूछा। हाँ, क्यों, सच? आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई। तब मैं बहुत छोटा था, अब तो कुछ भी याद नहीं रहा, मैंने कहा। तुम अब भी छोटे लगते हो, उसने हंस कर कहा। जब तुम फुल स्लीव का स्वेटर पहनते हो, उसने अपना एक छोटा सा पर्स पास की खाली कुर्सी पर रख दिया और अपने दोनों हाथ शॉल से बाहर निकाल दिए। वह मेरे स्वेटर को देख रही है, मैं उसके हाथों को। उसके दोनों हाथ मेज पर टिके हैं, लगता है जैसे वे उससे अलग हो। वे बहुत नर्वस है, आधे खुले हुए आधे भीचे हुए, लगता है वे किसी अदृश्य चीज को पकड़े हुए हैं। हम कोने में बैठे हैं जहां वेटर ने हमें नहीं देखा। सुबह इतनी जल्दी बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। हमारे आसपास की मेज कुर्सियां खाली पड़ी है। डांसिंग फ्लोर के दोनों ओर लाल सेट से ढक लैंप जाते हैं। दिन के समय इससे अधिक रोशनी नहीं आती। जो रोशनी आती है वह सिर्फ इतनी ही कि आसपास का अंधेरा दिख सके। कुछ फासले पर डांसिंग फ्लोर की दाई और जॉर्ज और उसकी फियांस ने मुझे देख लिया है और मुस्कुराते हुए हवा में हाथ हिलाया है। जॉर्ज एल्प्स का पुराना ड्रमर है। 10:30 बजे आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम आरंभ होगा, तब तक वह खाली है। वह जानता है मैं आज इतनी सुबह क्यों आया हूँ। वह मुझसे बड़ा है और मेरी सब बातें, खुली छिपी सब बातें जानता है। उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए अपनी पियोंस के कानों में कुछ धीरे से फुसफुसाने लगा। वह अपना सिर मोड़कर गहरी उत्सुक आंखों से मुझे देख रही है। उसकी आंखों में अजीब सा कौतूहल है। यदि जॉर्ज उसकी बांह को खींच कर झिंझोड़ न देता
तो शायद वह देर तक हम लोगों को देखती रहती। मेरे एक हाथ में सिगरेट है जिसे मैंने अभी तक नहीं जलाया, दूसरा हाथ टांगों के नीचे दबा है। मैं आगे झुक कर उसे दबाता हूँ। मुझे लगता है जब तक वह मेरे बोझ के नीचे बिल्कुल नहीं भीग जाएगा तब तक ऐसे ही कांपता रहेगा। वेटर आया, मैंने उसे कोना कॉफी लाने के लिए कह दिया। वह चुप बैठी रही, कुर्सी पर रखे अपने पर्स को देखती रही। मैंने सोचा था तुम फोन करोगी, मैंने कहा। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में हल्का सा विस्मय था। तुम काफी अजीब बातें सोचते हो, उसने कहा। शायद यह गलत था, मैंने कहा। शायद तुम नाराज हो, पता नहीं, शायद हूं, उसने कहा। मैं हंसने लगा। क्यों, तुम हंसते क्यों हो? कुछ नहीं, मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया, उसने पूछा। तुम्हारी बात, इट इज नॉट डन। उसका निचला होंठ धीरे से कांपा था, तितली सा जो उड़ने को होती है और फिर कुछ सोच कर बैठी रहती है। तुम उस दिन ठीक समय पर घर पहुंच गई थी। किस दिन? जब हम हुमायूं के मकबरे से लौटे थे। ना, बस नहीं मिली, बहुत देर बाद स्कूटर लेना पड़ा। उस रात बड़ा अजीब सा लगा। कैसा अजीब सा, मैंने पूछा। देर तक नींद नहीं आई, उसने कहा। देर तक मैं उस नीलकंठ के बारे में सोचती रही जो हमने उस दिन देखा था मकबरे के गुंबद पर। नीलकंठ? मुझे वह शाम याद आती है। उस शाम हम पवेलियन के पीछे टेरेस पर बैठे थे। मेरे रुमाल में उसकी चप्पलें बंधी थी और उसके पांव नंगे थे। घास पर चलने से वे गीले हो गए थे और उन पर बजरी के 2-4 लाल दाने चिपके रह गए थे। अब वह शाम बहुत दूर लगती है। उस शाम एक धुंधली सी आकांक्षा आई थी और मैं डर गया था। लगता है आज वह डर हम दोनों का है। गेंद की तरह कभी उसके पास जाता है, कभी मेरे पास। वह अपनी घबराहट को दबाने का प्रयत्न कर रही है जिसे मैं नहीं देख रहा। मेज के नीचे कुर्सी पर भिंचा मेरा हाथ कांप रहा है जिसे वह नहीं देख सकती। हम केवल एक दूसरे की ओर देख सकते हैं और यह जानते हैं कि ये मरते वर्ष तक आखिरी दिन है और बाहर दिसंबर के उन पीले पत्तों का शोर है जो दिल्ली की तमाम सड़कों पर धीरे धीरे झर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे मैं सब कुछ कह दूं जो मैं पिछले हफ्ते के दौरान में सड़क पर चलते हुए, बस की प्रतीक्षा करते हुए, रात को सोने से पहले और सोते हुए पल छिन सोचता रहा हूँ, अपने से कहता रहा हूँ, मैं भुला नहीं हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा साथ रहती है, उन्हें याद रखना नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं जो खो जाती है, खो जाने में ही उनका अर्थ है, उन्हें भूलना नहीं होता। वेटर आया और कोना कॉफ़ी की बोतल से पहले उसके और फिर मेरे प्याले में कॉफ़ी उड़ेल दी। हमारी सामने वाली मेज पर एक अंग्रेज युवती आकर बैठ गई। उसके संग एक छोटा सा लड़का है जो उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा है। युवती का चेहरा मीनू के पीछे छिप गया। व्हाट विल यू हैव सनी? लड़का पंजों के बल खड़ा हुआ सिर झुकाकर मीनू को देख रहा है। लड़के ने जुबान बाहर निकाल कर बिल्ली की तरह नाक सिकोर ली। ओह शट अप, वांट यू सिट डाउन? डांसिंग फ्लोर के पीछे जो कुर्सियां अभी तक खाली पड़ी थी वे धीरे धीरे भरने लगी। लगता है बाहर सूरज बादलों में छिप गया है। सामने खिड़की के शीशों पर रोशनी का हल्का सा आभास है। जब दरवाजा खुलता है तो पहले की तरह धूप का टुकड़ा भीतर नहीं आता, सिर्फ हवा आता है और मैली सी धुंध। दरवाजा खोलकर एकदम बंद नहीं होता और हम बाहर देख लेते हैं। बाहर सर्दी का धुंधलका है और दिसंबर का मेघाच्छन्न आकाश जो कुछ देर पहले बिल्कुल नीला था। आज हम बैठे हैं वह एक कोना है। जब कभी हम यहाँ आते थे, और ऐसा अक्सर होता है, तो यहीं बैठते हैं।
उसी कोने में बैठना अच्छा लगता है। वह चम्मच से मेज पोस पर लकीरें खींचता है और अपनी उन कहानियों के बारे में सोचता हूँ जो मैंने नहीं लिखी, जो शायद मैं कभी नहीं लिखूँगा, और मुझे उनके बारे में सोचना अच्छा लगता है। 2 दिन बाद क्रिसमस है। क्वींस वे की दुकान पर उन दिनों भीड़ लगी रहती है। कुछ लोग खरीदारी करने के बाद अक्सर यहाँ आते हैं। उनके हाथों में रंग बिरंगी बास्केट, थैले और लिफाफे हैं। जब वे भीतर आते हैं वह दरवाजे की ओर देखने लगती है। उसकी आंखें बहुत उदास है। मैं उसकी बाहों को देख रहा हूँ। प्लास्टिक की चूड़ी और ज़्यादा नीचे खिसक आई है। उसका निचला हिस्सा प्याले की कॉफ़ी में भीग रहा है और चमक रहा है। नींदी, उसने धीरे से कहा और रुक गई। यह मेरे घर का नाम है, एक बार उसके पूछने पर मैंने बताया था। जब कभी हम दोनों अकेले होते हैं, जब कभी हम दोनों एक दूसरे के संग होते हुए भी अपने अपने में अकेले हो जाते हैं और उसे लगता है कि उसकी बात से उसे मुझे तकलीफ होगी, तो वह मुझे इसी नाम से बुलाती है। मेरा हाथ मेरे घुटनों के बीच दबा है। लगता है अब वह क्षण आ गया है जिसकी इतनी देर से प्रतीक्षा थी। वह आ गया है और हम दोनों के बीच आकर बैठ गया है। निंदी, यह गलत है, उसने धीरे से कहा, इतने धीरे से कि मैं हंसने लगा। तुम क्या इतनी देर से यही सोच रही थी, मैंने कहा। निंदी, सच, वह भी हंसने लगी, किंतु उसकी आंखें पहले जैसी उदास है। मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा था। किस तरह, मैंने पूछा। जैसे तुमने मुझे लिखा था, मैंने उसे कई बार पढ़ा है। निंदी, यह गलत है, सच, बहुत गलत है। निंदी, उसने मेरी ओर देखा। उसके बाल बहुत रूखे हैं और होठों पर बहुत हल्की लिपस्टिक है, जैसे वह लिपस्टिक ना हो, सिर्फ होठों का रंग ही तनिक गहरा हो गया हो। वह मेरी ओर देख रही है। निंदी, तुम, उसने आगे कुछ कहा जो बहुत धीमा था। मैंने उसकी ओर देखा। उसने अपनी 2 उंगलियों में रुमाल कसकर लपेट लिया था। निंदी, सच, तुम पागल हो, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। नॉट इन दैट वे, ये 4 शब्द बहुत ही छोटे हैं, आसान है, और मैं अचानक खाली सा हो गया हूँ और सोचता हूँ जिंदगी कितनी हल्की है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे, जैसे बच्चों की आंखों में होते हैं, किंतु उन आंसुओं का उसके चेहरे से कोई संबंध नहीं है। वे भूले से निकल आए हैं और कुछ देर में ढुलकने से पहले खुद ब खुद सूख जाएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन शायद कुछ है जो नहीं सूखेगा। मैं कल रात यही सोचता रहा था कि वह न कह देगी तो क्या होगा। अब उसने कह दिया है और मैं वैसा ही हूँ, कुछ भी नहीं बदला। जो बचा रह गया है वह पहले भी था, वह सिर्फ है जो उम्र के संग बढ़ता जाएगा और खामोश रहेगा, बंद दरवाजे की तरह, उड़ते पत्तों और पुराने पत्थरों की तरह, और मैं जीता रहूँगा। उसके चेहरे पर शर्म और सहानुभूति का अजीब सा धुला मिला भाव है। सहानुभूति मेरे लिए, धर्म शायद अपने पर। निंदी, क्या तुम नाराज हो? मैं अपना सिर हिलाता हूँ। हाँ, तुम अब मुझे बुरे समझते होंगे, मैं हंस देता हूँ। मैं अब बिल्कुल शांत हूँ। टांगों के नीचे मेरा हाथ नहीं कांप रहा। जब हम यहाँ आए थे तब सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। लगा था जैसे सपने में मैं सब कुछ देख रहा हूँ। सपना अब भी लगता है, उसकी शॉल, उसकी सफ़ेद मुलायम बाहें, लेकिन अब वे ठोस हैं, वास्तविक है। मैं चाहूँ तो उन्हें छू सकता हूँ और उन्हें छूते हुए मेरा हाथ नहीं कांपेगा। निंदी, वी कैन बी फ्रेंड्स कांट वी, उसने अंग्रेजी में कहा। जब वह किसी बात से बहुत जल्दी घबरा जाती है तो हमेशा अंग्रेजी में बोलती है और मुझे उसकी यह घबराहट अच्छी लगती है।
मैं कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वह भी कहना कोई मानी नहीं रखता, और वह मुझे मालूम है कि जो कुछ मैं कहूँगा वह नहीं होगा। जो कहना चाहता हूँ वह शब्दों से अलग है। इसलिए 15-20 वर्ष बाद जब मैं दिसंबर की इस सुबह को याद करूँगा तो शब्दों के सहारे नहीं, याद करने पर बहुत सी बेकार निरर्थक चीज़ें याद आएंगी, जैसे वह क्रिसमस के 2 दिन पहले की सुबह थी। हम एलप्स में बैठे थे और बाहर दिसंबर के पीले पत्ते हवा में झरते रहे थे। क्योंकि यह कहानी नहीं है, यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी कहानी कभी नहीं बनती। यही कारण है कि मैं बार बार मन ही मन दोहरा रहा हूँ, ये वर्ष के अंतिम दिन हैं। बाहर दुकानों पर क्रिसमस और न्यू ईयर कार्ड बिक रहे हैं। यह दिल्ली है, हमारा शहर। बरसों से हम दोनों अलग अलग घरों में रहते हैं, किंतु आज की सुबह हम दोनों अपने अपने रास्ते से हटकर इस छोटे से काफे में आ बैठे हैं कुछ देर के लिए। कुछ देर के बाद वह अपने घर जाएगी और मैं जॉर्ज के कमरे में चला जाऊंगा, सारी रात पीता रहूंगा। सच निंदी, कांट वी बी फ्रेंड्स? उसके स्वर में भीगा सा आग्रह। मैं मुस्कुराता हूँ, मुझे एक लंबी सी जम्हाई आती है, मैं उसे दबाता नहीं। अब मैं बिना शर्म महसूस किए उससे कह सकता हूँ कि कल सारी रात मैं जागता रहा था। क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। बर्फ के बारे में, मैंने कहा। तुमने कहा था कि शिमले में कल बर्फ गिरी थी। हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था और मैं देर तक तुम्हारे बारे में सोचती रही थी। रात भर बर्फ गिरती रही थी और मुझे पता भी नहीं चला था, इसलिए कल रात इतनी सर्दी थी। मैं अपने कमरे की सारी खिड़कियां बंद करके सोई थी, उसने कहा। जब कभी शिमले में बर्फ गिरती है तो दिल्ली में हमेशा सर्दी बढ़ जाती है। कुछ देर पहले मैं एलप्स के आगे खड़ा था। मैं पहले आ गया था और ट्रैफिक लाइट को देखता रहा था। मैंने 10 तक गिनती गिनी थी। सोचा था यदि 10 तक पहुंचते पहुंचते बत्ती का रंग हरा हो जाएगा तो वह हाँ कहेगी, नहीं तो नहीं। किंतु अब मैं शांत हूँ। और निंदी, उसने कहा, तुमने यह यदि पत्र ना लिखा होता तो अच्छा रहता। यदि हम वैसे नहीं रह सकेंगे जैसे पहले थे। और मैं जागता था, मैंने सोचा। तुमने नहीं सुना? कल रात देर तक दिल्ली की सूनी सड़कों पर पत्ते भागते रहे थे, मैंने कहा। मैं खिड़कियां बंद करके सो गई थी, उसने कहा, और मुझे सपने में हुमायूं का मकबरा दिखाई दिया था। तुम जोर से हंसे थे और बेचारा नीलकंठ डर से उड़ गया था। हम दोनों चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद उसकी पलकें ऊपर उठी। क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। मैं चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। बर्फ के बारे में, मैंने धीरे से कहा। हम उठ खड़े होते हैं, ऑर्केस्ट्रा शुरू होने वाला है और हम उसके शुरू होने से पहले ही बाहर चले जाना चाहते हैं। दरवाजे के पास आकर मैं ठहर जाता हूँ और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता हूँ। मेजपोश की पर वे लकीरें अब भी अंकित हैं जो अनजाने में उसने चम्मच से खींच दी थी। उन लकीरों के दोनों ओर 2 प्याले हैं जिनसे हमने अभी कॉफ़ी पी थी। वे दोनों बिल्कुल पास पास पड़े हैं और कुछ देर तक वैसे ही पड़े रहेंगे। तब तक बैरा उन्हें उठाकर नहीं ले जाएगा। वे 2 कुर्सियां भी हैं जिन पर हम इतनी देर से बैठे रहे थे और अब खाली है। कुछ देर तक वे वैसे ही खाली प्रतीक्षारत पड़ी रहेंगी। जॉर्ज की फियांस ने मुझे देखा। वह मुझे देखती हुई शरारत भरी दृष्टि से मुस्कुरा रही है। वह समझती है हम दोनों लवर हैं। जॉर्ज ने शायद उसे बताया होगा। जॉर्ज स्टेज पर ड्रम के आगे बैठा है। कुछ ही देर में ऑर्केस्ट्रा शुरू हो जाएगा। जॉर्ज ने मुझे देख लिया है। वह धीरे से ड्रम स्टिक हवा में घुमाता है। गुड लक, उसने कहा और धीरे से आंखें दबा दी। मैं बाहर चला गया। बाहर बादल छट गए हैं, कॉरिडोर में धूप सी मटाई है। एलिप्स के बाहर अंग्रेजी पत्रिकाओं की दुकान पर कौन लोग जमा हो गए हैं?
सामने क्वींस वे की दुकानों के आगे भीड़ लगी है। क्रिसमस रिडक्शन सेल की सत्तियां पर टंगे टंगे रंग बिरंगे रिबन हवा में चलने से फड़फड़ाने लगे हैं। उनके पीछे दिसंबर का नीला आकाश फैला है। मुझे एक लंबी सी जम्हाई आती है और आंखों में पानी भर जाता है। क्या बात है, उसने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। मुझे कुछ क्रिसमस कार्ड खरीदने हैं, मेरे संग जाओगे ना, उसने कहा। चलो, मैंने कहा, मैं बिल्कुल खाली हूँ। हम दोनों क्वींसवे की ओर चलने लगते हैं। जरा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। मैं पीछे मुड़ गया और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अमेरिकी पत्रिकाओं की दुकान के सामने आ खड़ा हुआ। पुरानी पत्रिकाओं का ढेर मेरे सामने बेंच पर खड़ा था। मैं उन्हें उलट पलट कर नीचे से एक मैगजीन उठा लेता हूँ। वही खबर है जो अभी कुछ देर पहले देखा था। वही बीच का दृश्य है जिस पर अर्धनग्न युवती धूप में लेटी है। क्या दाम है, मैंने पूछा। लड़के ने मुझे देखा, दाम बताया और मुस्कुराते हुए सीटी बदलने लगा। अभी आप सुन रहे थे निर्मल वर्मा की कहानी लवर्स। धन्यवाद।